दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गोलजू देवता, और गोलजू देवता कुमाऊं मंडल के न्याय के देवता, और आप ये यहाँ से दृश्य देख रहे हैं नीचे का, देखो आप। और मेरे साथी गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है और जूते उतार के गाड़ी में रख दिए, तो हम यहाँ से चलते हैं गोलजू देवता के मंदिर, और आज आपको हम दर्शन करा रहे हैं गोलजू देवता का। और मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, इससे पहले आया था मैं पिछले वर्ष, शुभम, अमित, अंकित और मैं। और मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, उसके पश्चात मंदिर आ जाएगा। और दोस्तों हम मुख्य मंदिर में आ चुके हैं, देखिए चारों तरफ घंटे घंटे नजर आएंगे आपको यहाँ पे, ढेर सारे घंटे, चारों ओर घंटे घंटे लग रहे हैं। जय गोलजू देवता। हाय, कहाँ से हैं? अच्छा भीमताल मेहरा गांव से, ठीक है जी, थैंक यू। और यहाँ इतनी सारी घंटी और घंटे इसलिए हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ मांगता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो फिर वो यहाँ घंटे चढ़ाता है, तो इसलिए पूरा मंदिर परिसर जो है घंटों से अटा हुआ है। देखो आप जहाँ देखेंगे आप वहां घंटे घंटे नजर आएंगे आपको, ये देखो आप चारों ओर घंटे घंटियां, बेटे आ रहे हैं हम लोग। हाँ हमने जाना इधर से है, हाँ वो दूसरा लगा उधर वाला, वो ये देखिए आप। हाँ जी, एक और है ना ऐसे मंदिर, हाँ मैं उस वाले में नहीं गया अभी। हेलो, देखो भाई चारों ओर पेड़ों में सब जगह घंटे घंटे नजर आएंगे आपको, देखो। अब हम लोग पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर आपको मंदिर परिसर घुमाएंगे। और यहाँ से अब जाएंगे हम मुख्य मंदिर के अंदर, मेरे साथी आगे चले गए हैं और यहाँ आ गए हम मुख्य मंदिर में, लाइन लगी हुई है। जय बजरंगबली महाराज, ये देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है। और ये कुमाऊं ढोल है, गाइए। और इस तरह से लाइन में लगना पड़ रहा है तब जाके दर्शन होंगे, ज्यादा लंबी लाइन नहीं है। आज सबसे ज्यादा भीड़ मिली है दोस्तों, ये मेरी दूसरी यात्रा है गोलजू देवता की, ये देखिए वहाँ पूजा चल रही है। दोस्तों इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि दर्शन करने के लिए मंदिर की पूरी परिक्रमा करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि भीड़ अधिक है इस कारण। देखिए हमसे आगे कुछ लोग हैं और टीन शेड जो है ये बहुत पुराना है, तो झुक के चलना पड़ रहा है यहाँ पर। और मेरे साथी राहुल जी, राजीव भैया और अंकित, और ये देखो पीछे इस तरह से लाइन में आ रहे हैं लोग, ये देखो। हेलो हेलो, थोड़ा विजिबिलिटी कम है तो उसके लिए आपको परेशानी हो सकती है। और आखिरकार हम मुख्य मंदिर के दर्शन करा देंगे अब आपको, ये देखिएगा आप।
यहाँ जो विशेष पूजा अर्चना कराते हैं लोग, ये वो बैठे हुए हैं सबके सब। और पंडित जी पुष्प दे रहे हैं। दोस्तों आप अब कर रहे हैं श्री कोलीजू देवता के दर्शन, मुख्य मंदिर के दर्शन। देखिए भी कराता हूँ मैं आपको। और जय कोलीजू देवता। पंडित जी नमस्कार। ये देखिएगा, जय कोलीजू देवता। कोलीजू देवता के दर्शन कीजिए आप मेरे चैनल के माध्यम से। जय हो, जय हो महाराज, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलिए साहब, पूजा अर्चना हो गई, दर्शन भी करा दी मैंने आपको कोलीजू देवता के। अब चलते हैं मंदिर परिसर से बाहर की ओर। और भीड़ अच्छी खासी है आज। जय बजरंगबली महाराज, जय सिद्धबली बाबा। पूरा मंदिर परिसर आपको हमने दर्शन करा दिए हैं। देखिए यहाँ भी कितनी सारी घंटी और घंटे रखे हुए हैं पूरे मंदिर परिसर में। चारों ओर जहाँ आपकी निगाह जाएगी वहां आपको घंटी और घंटे ही नजर आएंगे। यहाँ दोस्तों हम उसी तिराहे पर लौट के आ गए जहाँ से हम निकले थे, और अब हम यहाँ से अपना राइट टर्न लेंगे। और हम लोग आए थे इधर से 11 बजे, जब 11 बज रहे थे तब हम इधर से आए थे। तो सबसे पहले हम कोलीजू देवता होके आए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं बाबा नीप करौली के दर्शन करने और आपको दर्शन कराने। दिवाली कुमाऊं में आज मनाई जा रही है, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में आज ही मनाई जा रही है 1 नवंबर की, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है। पीली पीली। और आप ये भवाली का बाजार देख रहे हैं। आप लोग दर्शन कर रहे हैं बाबा नीप करौली मंदिर के। और जाम की स्थिति इतनी विकट है, जो पिछली वाली पार्किंग थी वहां हमें मना कर दिया गया है गाड़ी खड़ी करने के लिए। कह दिया तुम पार्किंग लायक है ना। तुम्हें 120 बचाने के चक्कर में लग रहा है। ये देखो आप, कितनी भीड़ लग रही है मंदिर परिसर में। रास्ता हटाऊंगा क्या? आपको खड़ी कर दूंगा। ऊपर भी तो करना पड़ेगा। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है आज तो। आज क्या विशेष कुछ है? छुट्टा, दिवाली है। एक तो तुम यो सुगर यादा करो। देखो कितनी भीड़ है। और मुख्य द्वार मंदिर का, अब गाड़ी का हमें पता नहीं कहाँ खड़ी करके आनी पड़ेगी हमें गाड़ी। दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं बाबा नीम करौली के, और मेरी ये तीसरी यात्रा है, इस वर्ष में दूसरी यात्रा है। और सबसे पहली बार मैं पिछले वर्ष आया था 2023 में, और सबसे ज्यादा भीड़ है इस बार, आप देख सकते हैं। ये देखो आप, और ये देखिएगा कुछ मेरे पीछे खड़े हुए हैं। जय हो जी, जय हो बाबा नीम करौली की। ये देखिएगा अंकित। चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर दर्शन करने।
मुझे पहली बार लाइन में लगना पड़ रहा है। आजो आजो आजो। नहीं नहीं मैं चलता रहूंगा, चिंता नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे आगे निकलने का कोई शौक नहीं है। और धीरे धीरे लाइन बढ़ती हुई मुख्य मंदिर के अंदर की ओर। जब करने से पहले हम इसे अंदर रख लेंगे, चिंता ना करो आप। जय बाबा नीम करौली। बस मोबाइल यहीं तक चलेगा, इसके बाद मोबाइल नहीं चलेगा। और दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और मंदिर परिसर से बाहर आ गए। मंदिर में वीडियो बनाने की इजाजत नहीं थी तो हमने वहां बनाई भी नहीं है। और पहले से ज्यादा भीड़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम चलना है यहाँ से बाहर की ओर। चलो राहुल जी आ जाओ, चलते रहो चलते रहो, पीछे पीछे देख के। ग्रुप में क्या करना, फोटो खिंचवाने चाह रहे हैं। हम लोग दर्शन करके आगे, देखो आप कितनी भीड़ हो रही है यहाँ। आज तो खड़ा भी नहीं होने दे रहे।